नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट के बारे में। सीटेट के मैथमेटिक्स का लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद नंबर फॉर्मेशन पे हम बात कर रहे थे। तो उसके बीच में थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है। इशू क्रिएट होने का सेंस क्या कि वहाँ पे टेक्निकल इशू थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। टेक्निकल इशू जो क्रिएट हुई थी उसकी वजह से सारे क्वेश्चंस या कुछ एक सेकंड टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो उसी के बिहाफ में हम आज बात करेंगे। उसके बाद हम विभाज्यता की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन लिखा कि 2 3 1 7 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? यहां से बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नंबर कौन है? जो नंबर दिए 2 3 1 7 दिए गए थे, सबसे बड़ी संख्या 7 3 2 1 बन गया। छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी संख्या में बन जाएगी आपका 1 2 3 7 बन जाएगा। इनका क्या चाहिए? योग चाहिए, मतलब प्लस कर लेना है। तो क्या बन जाएगा? 7 1 8, 3 2 5, 3 2 5, 7 1 8। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस तरह से कि नंबर फॉर्मेशंस में आपके पास इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है? डन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा हम बदलते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, हार्ड करते हैं। जैसे हमने दे दिया क्या, 2 5 4 1 से बनने वाली छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? जबकि एक संख्या को संख्या का उपयोग केवल 2 बार कर सकते हैं। तो यहां पे सवाल पे ध्यान दीजिए, आप पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2 5 4 1 से बनने वाली 6 अंकों की, कितने अंकों की? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा जबकि एक संख्या का उपयोग केवल 2 बार कर सकते हैं? अब यहां पे ध्यान से समझिए, हमारे पास अंक कितने हैं? सिर्फ 4। कितने अंक हैं? सिर्फ 4 अंक हमारे पास दिए गए हैं। कौन कौन सा? 2 5 4 और 1। हमारे पास कितने अंक हैं? 4 ही अंक दिए गए हैं, 2 5 4 एंड 1। और इन 4 अंक से हमको बनाने कितने अंकों की? 6 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 6 अंकों की संख्या हमको बनानी है। बोला गया जबकि एक संख्या का उपयोग केवल 2 बार कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बनाने की शुरुआत करें तो क्या बनेगा? 5 4 2 1। अगर हम इसका रिपीट कर दें 1 एक बार और,
इसके अलावा तो इसको यूज कर नहीं सकते, तो अगली संख्या कौन रखना पड़ेगा, टू रखना पड़ेगा। कि कौन सी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अब हमको छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या के बारे में कैसे शुरुआत करेंगे। छोटी संख्या में हम क्या करें, वन लिख लें, बिल्कुल वन को रिपीट कर लें फिर से, ठीक है। उसके बाद कितना, टू फोर फाइव, आपका कितना हो गया, टू फोर फाइव हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। फिर से टू को भी रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं कर सकते। अगर आप टू को रिपीट करना चाहो, देखो टू को हम रिपीट कर लें अगर, क्या भाई इरेजर नहीं काम कर रहा है, हाँ अभी पकड़ रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे टू के साथ क्या लिखें, टू के बाद फिर से टू को रिपीट कर लें, टू के बाद फिर से क्या करें, टू को हम रिपीट कर लें। अगर हम टू के बाद टू को फिर से रिपीट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे टू लिख देंगे फिर से, उसके बाद कितना, कितनी डिजिट, फोर और फाइव कर दिया हमने, फोर और फाइव से फायदा होगा, ठीक है। तो ये हमारी सबसे क्या हो गई, छोटी संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई, छोटी संख्या बन गई। अब देखो फाइव फोर टू वन वन और वन वन टू टू फोर फाइव, ये हमारी क्या हुई, सबसे छोटी संख्या बन गई। इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो अंतर इनका निकाल लो भाई। इनका अंतर देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास पांच अंक बना है क्या, अच्छा हमको छह अंक बना, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो यहाँ पे हमको कितने डिजिट बनाए, छह डिजिट के बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या, फाइव फोर टू वन वन, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टू लिख दिया, छोटी छोटी संख्या बन गई। इनका हमको क्या चाहिए, डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। 12 से 5 गया कितना हो गया, 7 आ जाएगा। 10 से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, फिर से 10 से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 11 से 2 जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, 5 से 1 गया 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि हमसे सवाल पूछा क्या जा रहा है और किस तरह से पूछा गया। क्लियर है इसके बारे में, डन है, ठीक। तो आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछे जाने हैं और इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, तो कुछ इस तरह उसको घुमाया जाएगा, अंतर पूछ लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका सम पूछ लिया जाएगा, तो कुछ इसी तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे होते रहेंगे। क्लियर है, चले आगे बढ़े। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा विभाज्यता के नियम की तरफ, कि विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का नियम को थोड़ा सा हम तेजी से पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि विभाज्यता के नियम मेरे मेरे हिसाब से लगभग सब लोगों को पता होगा, सिर्फ एक बार रिवीजन करना होगा, रिवाइज करना होगा, तो हम सबको फटाफट रिवाइज करा देते हैं उसके बारे में। बात करते हैं भाज्यता के आधार पर प्रश्न या विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक। तो विभाज्यता के नियम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला पहला रूल है दो से विभाज्यता ना, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता की अगर हम बात करें, किससे विभाज्यता की बात करें, दो से अगर हम विभाज्यता की बात करते हैं, दो से कौन सी संख्या है, सिंपल सा हम फटाफट सॉल्व बताते हैं। किसी संख्या के अंत में अगर शून्य होता है, दो होता है, चार होता है, छह होता है, आठ होता है, क्या 0 2 4 6 8, ये आपके पास पांच संख्याएं हैं, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी संख्या अगर आपके पास होती है या किसी संख्या के अंत में होती है, वह दो से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाएगा। दो से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 3272 लिख दिया, तो निश्चित है कि ये टू से विभाजित है। हमने लिख दिया 7256, दो से विभाजित होगा क्योंकि अंत में क्या है, छह है। हमने लिखा 13,33,332, 13,33,332, ये कौन सा टू बन गया भाई, थ्री बन गया, 13,33,332, यह भी आपका क्या है, टू से विभाजित है, क्या है, टू से ये विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है।
तो दो से विभाज्यता के नियम के लिए हमको क्या चाहिए? दो से विभाज्यता के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी संख्या आपको दी गई हो उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा, 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता की बात अगर करें, ठीक है, तीन से विभाज्यता की बात करें, तीन से विभाज्यता का नियम 2 से थोड़ा सा हटके है। तीन की विभाज्यता का नियम क्या है कि आपको दी गई संख्या, जैसे हमने लिख दिया कोई नंबर 32,516, 32,516, तो दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग, 3 धन 2 धन 5 धन 1 धन 6, इसको जोड़ोगे कितना? 3 2 5 5 10 1 11 11 6 17। ये जो 17 आया, अगर यह 3 से विभाजित होता है, अगर यह 3 से विभाजित होता है, यह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होने वाली है। अगर हम इसी की जगह पे 6 की जगह पे 7 रखे होते तो क्या बन जाता? 18 बन जाता। क्या बन जाता? 18 बन जाता, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। और 3 से पूर्णतः विभाजित होने पर यहाँ पे मतलब 7 रखने पर मतलब 32,517 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। 32,517 जो है वो 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है? अगला रूल, 4 से विभाज्यता की बात करें, तीसरा रूल हमारा क्या है? 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता हमारा क्या है? 4 से विभाज्यता की अगर हम बात करते हैं तो 4 से हमारा विभाज्यता क्या है? 4 से विभाज्यता का रूल क्या है? 4 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? किसी संख्या के, कोई भी संख्या आपके पास दी गई हो, कोई भी संख्या आपके पास दी गई हो, जैसे कि मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, या 12,507 हो गया, आपके पास कोई संख्या हो जिसे हमने लिखा 12,507, ये संख्या हो गई, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता? किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है? 0, 7 है। अगर यह 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा यह नहीं होने वाला। तो मतलब 0, 7 4 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। अगर हमने लिख लिया 13,72,708, तो 708 आपका क्या है? 4 से विभाजित है, मतलब 708 नहीं, लास्ट के 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या पूर्ण रूपेण क्या है? 4 से विभाजित है। समझ में आ रही बात है? 5 की विभाज्यता के नियम की अगर बात करें तो 5 की विभाज्यता का नियम तो लगभग सबको पता होगा, है ना? 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, 0 या 5, दोनों में से कोई एक, और 0 या 5, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, जैसे लिख दिया गया 33,115, 5 से विभाजित है। 7,210, 5 से विभाजित है। किसी संख्या के अंत में अगर 5 और 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां है 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता क्या है? 6 से अगर हम विभाज्यता की बात करें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वह निश्चित रूप से 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वह 6 से तुरंत विभाजित हो, जैसे हमने लिख दिया 3,717,
3717 या 3717। अब इसको चेक करो, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? यह 2 से विभाजित नहीं है, यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, फिर भी ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। रीजन क्या है? इसको 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा, 2 से भी विभाजित होना पड़ेगा, दोनों संख्या से इसको विभाजित होना पड़ेगा, तभी वह संख्या 6 से विभाजित हो पाएगी। जैसे हमने संख्या लिखा 2 3 6 1, 2 3 6 1, ठीक है? तो 2 3 6 मतलब 1632, हमने क्या लिख दिया, 1632 लिखा। अब ये संख्या क्या 2 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल विभाजित है, क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 आ गया, क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया, 2 आ गया। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई होता है तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। तो 2 से ये क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, इनका सम निकाल लो भाई, 6 1 7 3 10 2 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 3 से विभाजित हो गया। जब ये 3 से विभाजित हो गया, निश्चित रूप से किससे विभाजित हो गया, 6 से विभाजित हो गया, निश्चित रूप से किससे विभाजित हो गया, 6 से ये क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक, तो 6 की विभाजिता का रूल समझ में आया, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 7 की विभाजिता की तरफ। 7 की विभाजिता के रूल पे ध्यान देते हैं। 7 की विभाजिता का रूल, वैसे मेरे हिसाब से 7 का जो विभाजिता का रूल है थोड़ा सा है, तो ठीक है, रूल तो है ही है, ऐसा नहीं है रूल नहीं है, बट हमारे हिसाब से अगर 7 से विभाजिता आपको चेक करनी है ना, उससे ज्यादा आसान आपको फटाफट डिवाइड करना ही ज्यादा आसान पड़ेगा, डिवाइड करके चेक कर लेना ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि उसका रूल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, और हर उतने स्टेप करने से अच्छा आपके लिए क्या है कि जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर लो ऐसे ही। तो हम 7 को छोड़ के हम बढ़ते हैं 8 की विभाजिता पे। 8 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 8 की विभाजिता की बात करें तो 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जैसे अभी हमने बताया 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो क्या होती है, 4 से विभाजित हो जाती है। यही सेम कंडीशन 8 के लिए है, लेकिन 8 के लिए क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, 17278, ठीक है, 17278, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? तो इसके 3 अंक को ले लो, 3 अंक बनाएगा 278, इसको 8 से भाग लगाओ, 8 3 के कितना हो गया, 24, 3 27 38 बना, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 32 तक जाएगा, 38 नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है, यह संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पाएगी। और एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिख दिया 53168, 53168, तो क्या करना, इसके अंतिम के 3 डिजिट को पकड़ो, 168, 168 बना, 8 से भाग लगा दो, 8 2 16, 8 1 8, अगर इतना पार्ट, सॉरी इतना पार्ट, एक तक अगर इतना पार्ट क्या हुआ, विभाजित हुआ, तो निश्चित रूप से यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, 53168, कितना, 53168 पूर्णतः क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम तेजी से बढ़ते चलेंगे। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्यता की बात करें तो जैसा हमने 3 के लिए बताया था कि सभी अंकों का योग, क्या, संख्या के सभी अंकों का, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अगर 3
तीन से विभाजित है तो वह संख्या तीन से विभाजित हो जाती थी, वह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती थी, तीन से विभाजित हो जाती थी। तो ही सेम कंडीशन यहाँ पे नौ के लिए है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे कितना हो जाना है, नौ हो जाना है। अगर सभी अंकों का योग बटे नौ करने से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो निश्चित रूप से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जैसे हमने लिखा 33,32,217। चेक करना है नौ से विभाजित है कि नहीं है, तो लिख देना 3 धन 2 धन 2 धन 1 धन 7 बटे कितना, नौ। जोड़ लो 3 2 5 2 7, 7 1 8 7 15, 15 बटे कितना, नौ। ये कटने वाला नहीं है, मतलब ये भी संख्या नौ से विभाजित नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कितना हुआ, यह संख्या भी नौ से विभाजित नहीं होगी, मतलब यह नौ से कम क्या होनी चाहिए, विभाजित होने चाहिए, ठीक है। हमने लिख दिया कोई संख्या, जैसे लिख दिया 13,742, 13,742, 13,742 नहीं, चलो हम इसको लिख देते हैं 13,742 1,13,742, 1,13,742। इसको चेक करते हैं 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना, 1 धन 1 धन 3 धन 7 धन 4 धन 2 कर देना है, 9 से भाग लगाना है। क्या आएगा, 1 1 2 3 2 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 बटे 9 हो गया, 9 दूनी 18 विभाजित हो गया, क्या हो गया, 9 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। इसका मतलब जो संख्या आपको दी गई यह भी पूरा 9 से विभाजित हो जाएगी, एकदम परफेक्ट है, 100% श्योर है कि विभाजित हो जाएगी। अब विभाजित करने पे के बाद क्या आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, डन है, चले आगे बढ़ते रहे। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम सिंपल सी बात है, अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, तो निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगा हर बार, निश्चित रूप से 10 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसमें कुछ कहने वाली बात है ही नहीं, कुछ मतलब ऐसा स्पेशल है ही नहीं है कि वो नहीं विभाजित होने वाला, क्लियर है बातें, ठीक है। चल आते हैं 11 पे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन, 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, यहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनाए जाते हैं 11 से विभाज्यता के ऊपर, कि मतलब 11 से संख्या विभाज्य है कि नहीं है, इसके बारे में। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे आपको हम एक नंबर के एग्जाम्पल के से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखा गया 3 2 5 9 1 4, ठीक है, तो जो 11 की विभाज्यता का नियम है इसमें थोड़ा सा रूल अलग है। पहले हम ऑड मतलब विषम स्थान और सम स्थान की संख्याओं को अलग करते हैं। विषम स्थान का मतलब क्या, पहली संख्या, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या। विषम स्थान 3 धन 5 धन 1, विषम स्थान की संख्याओं का योग कर लेते हैं, तो 5 3 8 1 9 हो गया। फिर सम स्थान की संख्याओं का योग कर लेते हैं, सम स्थान पे 2 है, 9 है और 4 है, 9 4 13 2 15 हो गया। अब इनका अंतर ले लेते हैं, कितना आएगा, 6 आ जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इनका अंतर, यहां पे आने वाला अंतर शून्य या 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, तो वह दी गई संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी।
लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा, जैसे 6 आ गया यहाँ पे, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, बिल्कुल किसी कंडीशन में 11 से विभाजित नहीं होने वाली। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, 7,359, इसके विषम स्थान पे 7 है और 5 है, टोटल कितना हो गया 12। इसके सम स्थान पे 3 है और 9 है, इसका भी सम हो गया 12, अंतर आ गया 0। तो निश्चित है 7,359 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हम विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। और भी विभाजिता के नियम बहुत सारे और आगे नंबर है, 12, 13, 14, 15, 16। तो बेसिकली हम 11 तक पढ़ते हैं, इसी के बेसिस पे हमारे लगभग क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाते हैं। जो बीच में क्वेश्चन का मॉडल मिलेगा, अभी हम प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराएंगे आपको, तो प्रीवियस ईयर में जो भी लगेगा कि यहाँ पे चीजें नहीं बताई गई हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करने के बाद ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हम लिखते हैं कि जैसा कि देखो हमने लिखा कि 13,272, 13,272 यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, विभाज्य हो 13,272, 13,272 तीन से विभाज्य हो, तो 13,272 यदि 13,272 यदि उसे उसे कहाँ बन गया भाई, ये 3 है, उसे नहीं है ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना यहाँ पे। 3 से, अब सही है, 13,272 यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, अगर ये 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो, विभाज्य हो तो क्या यह 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। सवाल आपसे पूछा गया 13,272 यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्या यह 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसमें 3 का कोई काम नहीं है भाई, ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा जाता है कि आप 3 के पीछे भागोगे, इसमें 3 का कोई रोल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और 9 से विभाज्य के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करना है, सभी अंकों का क्या कर देना है भाई, योग कर देना है और उसको 9 से भाग लगाना है। अगर वो विभाजित होता है तो कितना, 3, 1, 4, 2, 6, ठीक है, और 7, 6, 13, 2, 15/9 आ गया, 15/9 आ गया, जो कि विभाजित नहीं है, मतलब इसका जवाब नहीं हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन में आपके पास रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं, 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। यह क्वेश्चन मतलब 13,272 जो लिखा गया है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाला है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं का रहेगा। क्लियर है, और भी तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन वैसे हम आपको पर्याप्त कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमने लिखा 92, 65, 92, 65, 7, यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया, 92, 65, 7, उसके बाद हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, पूर्णतः 8 से विभक्त है, पूर्णतः 8 से विभक्त है, पूर्णतः 8 से क्या है, विभक्त है, तो स्टार का मान बताओ, स्टार का मान बताओ। अब देखो सवाल, इसको यहाँ पे नंबर दिया गया, नंबर में एक
अंक की जगह पे स्टार रख दिया गया, और फिर भी बताया गया कि यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित है। यह संख्या क्या होती है? 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो आपको उस स्टार का मान बताना है, कोई स्टार की जगह पे कौन सी ऐसी संख्या रख दिया जाए जो विभाजित हो जाए। अब सोचो, यहाँ पे जनरल थिंकिंग वाली बात है। पहली कंडीशन तो आप इसमें ऑप्शन से भी काम कर सकते हो, जैसे आपको चार ऑप्शन दिए गए हो, ऑप्शन को बारी बारी सेट करके चेक कर सकते हो। जैसे हम चलो ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4, हमने रख दिया चार ऑप्शन, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हमने आपको ऑप्शन दे दिया। अब चाहे आप बारी बारी ऑप्शन को रख के चेक कर लो। अब रख के चेक करोगे तो पूरा डिवाइड नहीं करना है। मैंने रूल में क्या बताया था, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरा 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब बारी बारी अगर आपको चेक करना है तो 712/8, 700 कितना, 722/8, फिर से 732/8, और अगला 742/8, ठीक है, सबको रख के पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया, 8 9 72, एक कम हो गया, तो कितना हो गया, 8 28 64, 64 उसके बाद कितना हो जाएगा, 64 में 64 के बाद कितना बचेगा, 6 और 1 7, 8 9 72। ये तो पहले ही डिवाइड हो गया, यही डिवाइड हो गया, मतलब सबसे मिनिमम तो यह स्टार का मान क्या बन गया, एक ही बन गया। तो ऑप्शन एक ही सही होगा, सारे नहीं सही होंगे, बाकी और एक एक के अंतर पे हैं, ये डिवाइड होने वाले नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, 712/8, जो कि क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। और इस संख्या में जो संख्या आपको दी गई है, संख्या कौन सी है, 92 65 7 स्टार दिया गया, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और 1 यहाँ पे रख देने पे ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसमें कुछ कहने सोचने को नहीं बचेगा, इफ बट लेकिन का कंडीशन नहीं क्रिएट होगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, डन? ठीक, तो विभाजिता के बेसिस पे अभी हम आपको रूल समझा दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसके बारे में सोच डालो। इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल जितने क्वेश्चन होंगे, सारे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ध्यान देते रहिए, शेयर करते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों के साथ भी पहुंचाइए इसको। और जो भी आपको दिक्कत होती है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, उसके लिए हमने आपको कॉन्टेक्ट दे रखे हैं। आप 9696726252 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इविल मैथ्स के ही नाम से, जो आपके चैनल का नाम है, इविल मैथ्स के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है ना, और इसी के नाम से आपका व्हाट्सअप चैनल भी है, ठीक है। तो आपका टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल दोनों इविल मैथ्स के ही नाम से है, तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे आपको लिंक में ये सारे बायोडाटा, आपको सारे लिंक आपको प्रोवाइड है, आपको फेसबुक पेज, जो भी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके चैनल्स के, वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड है। आप वहाँ से ज्वाइन करके कहीं से भी आप क्वेरी अपनी रख सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर इसे बाइंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।